वजाइनल लूजनिंग, बहुत से कपल्स इस चीज में बहुत बार इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या ज्यादा सेक्स करने से हमारे वजाइना की जो वॉल्स हैं, मतलब जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, वो लूज हो जाता है। बहुत से मेल्स भी हैं जो मुझसे क्वेरी पूछते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे लगता है मेरी वाइफ का वजाइना बहुत ज्यादा लूज हो गया है, मुझे मजा ही नहीं आता करने में। एग्जैक्टली वजाइनल लूजनिंग का क्या सच है, किन कारणों की वजह से होता है, और अगर हो जाता है तो इसे कैसे रिपेयर किया जाता है, ऑल द मेडिकल नॉलेज इन वन वीडियो। हाई, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूँ। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स, सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो में बताऊंगी वजाइनल लूजनेस, मतलब योनि का खुल जाना, कितना सही है, क्या तथ्य हैं और क्या मिथ्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखें और चैनल पे प्यार देना, मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कारण क्या होते हैं कि जो वजाइना है वो लूज हो जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि तो जो वजाइना की वॉल्व है, मतलब आपका जो होल है जहां से आप पेनिट्रेटिव सेक्स करते हैं, मतलब इंटरकोर्स करते हैं, वो वॉल्व जो हैं वो मसल्स की बनी हुई होती हैं जो कि बहुत लाइट है, और जब उनमें म्यूकस, मतलब जब डिस्चार्ज पास होता है, आप बोल सकते हैं ग्लैंड सिक्रीशन होता है, लेकिन जब आप सेक्स करते हैं तो वो वॉल्व जो हैं वो थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जब आप सेक्स करते हैं तो आपको एंजॉय करने देता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ज्यादा सेक्स करने की वजह से जो वॉल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ एवर। अगर ये मिथ है कि बार बार करने से वजाइना की वॉल्व खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं रीजंस की बात करूं तो सबसे पहला रीजंस है वजाइनल डिलीवरी। अगर आपकी कंसेक्यूटिवली मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने वैक्यूम का यूज किया है, या फोर्सेप डिलीवरी हुई है, तभी वजाइना की वॉल्स खुलती हैं। दूसरा बड़ा रीजन है एज। एज के साथ भी बहुत बार आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो यूजली आपका सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, उसकी वजह से बहुत बार वजाइना की वॉल्व लूज हो जाती हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इरिटेशन हो जाता है, या फिर रफनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वजाइना की वॉल बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। अगर हमारे योनि और उसके आसपास की मसल्स, जैसे हम पेल्विक मसल्स कहते हैं, लूज हो जाता है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी बनता है, जिसकी वजह से आपका पेनिट्रेटिव सेक्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या मन नहीं रहता। अब मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट की। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ईजी सा ट्रीटमेंट होगा और हम कुछ कर लें। द बेस्ट ट्रीटमेंट that is medically been proven is surgery, but surgery बहुत ज़्यादा painful रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा stitches भी रहते हैं और recommended नहीं है, क्योंकि जो आपका इतना ही important area है उस पर surgeries are really really painful। दूसरा तरीका है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, विच आई रेकमेंड इज द बेस्ट। अगर मैं मेल्स में कीगल्स एक्सरसाइजेस करने को बोल रही हूँ, तो फीमेल में भी कीगल एक्सरसाइजेस एंड सम सॉर्ट ऑफ पुशअप्स, स्क्वाट्स हेल्प्स अ लॉट इन रिपेयरिंग योर पेल्विक मसल्स एंड वजाइनल मसल्स। इससे क्या होगा कि आपका जो वो हाइपरप्लेजिया हुआ है, या जब वैसे तो बॉडी वापस आ जाती है प्री प्रेगनेंट स्टेट को, लेकिन फिर भी बींग अ फीमेल, बींग अ मेल, बींग अ कपल, आपको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, ऐसे में आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो बिग बिग रिजल्ट्स डालती हैं। तीसरा, अगर मैं आपको बोलूँ तरीका, अगर आप अपनी लूजनेस को ठीक करना चाहते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा जेल्स, क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि मेडिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कपल्स ने इनको यूज़ किया है, विच आर सम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड पीपल लाइक इट। अपनी एक्सरसाइजेज रूटीन, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, अच्छा योगा, अच्छा कीगल्स एक्सरसाइज, रेगुलरली वॉक, एंड हाइजीन इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, एंड रेगुलर यूज ऑफ वीजीटी टैबलेट विद योर डॉक्टर्स परमिशन कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। और इस तरह के मिथ्स से दूर रहें, अपनी सेक्स लाइफ को बेटर तरीके से इंजॉय करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे मेरे चैनल को, डॉक्टर नेहा मेहता। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। साथ साथ आप हमारा नया चैनल साइकोलॉजी सीखो को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत से मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुँच सकें।
और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। VG3 बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।